अटेम्प्ट मर्डर पहले बनता है जी जी ठीक है। हम चाहते हैं कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन हो और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जो भी उनके साथ बंदे हैं उनको भी सजा मिले जी जी ठीक है। बोल रहे कि वो ड्रग एडिक्ट है यहाँ पे हमने सुनने को मिला और हम पुलिस को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे दरिंदों को छोड़े ना, नहीं नहीं छोड़े पब्लिक और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सर बंदे को हमने पकड़ा है वो अनकॉन्शियस नहीं, वो अनकॉन्शियस नहीं था एक्चुअली, वो सुने सुने मेरी बात, वो अनकॉन्शियस नहीं था। हम नमाज के लिए निकल रहे थे, हम कोर्ट में काम करते, हम नमाज के लिए निकल रहे थे तो हमने देखा एक बंदे को चाकू हाथ में, वो उसने फेंका था और वो फिर उन्होंने उठाया था और पुलिस को कॉल किया गया था। तब तक जब पुलिस आई वो बंदा अपना चेहरा छुपा रहा था, वो बंदा चेहरा छुपा रहा था ताकि वो हाईलाइट ना हो जाए, ताकि उसको कोई देखे ना, लेकिन हमने फिर भी उसका फोटो उठाया। तो लेकिन आप उसको पहचानते हैं क्या? हम अच्छे से पहचान सकते हैं, हाँ 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 अच्छे से, हमने भी देखा, वीडियो भी उठाया उसका, हमने फोटो भी उठाया हमने उसका, छोटे कद का और ब्राउन कलर के थोड़े बाल थे उसको, गोरा रंग का था, छोटा कद का था और हुडी अपर पहन के था वो। एक बात फिर से बताइएगा क्या मसला यहाँ पे पेश आया? यहाँ पे मसला ऐसा हुआ है, यही पेश आया, आज जुमा है और सबको पता है कि नमाज, सबको पता है कि नमाज के लिए जाना होता है और इनके माँ बाप जो है वो नमाज के लिए एज पर शेड्यूल निकले थे और घर पे एक तो इनकी दो बेटियां थी और इनकी मासी थी और जो ही चोरों को पता चला है कि मस्जिद में अभी वाज खानी हो रही है, उन्होंने इनके मुताबिक वो इस दीवार से छलांग मारी है और सीधे अंदर घुसे हैं। जब वो अंदर घुसे हैं उसके बाद इनके हाथ बांधे हैं पहले और हमने देखा, जब हम अभी अंदर गए हमने देखा कि खाना वैसा का वैसा ही है, ये खाना खा रहे थे, सुने खाना जब, और उसके बाद जब इनके हाथ बांधे हैं और इनको बोला हमें जो काम करना है वो करने दो, इनको बोला हमें जो काम करना है वो करने दो सीधे, और हमें बताओ पैसे कहाँ रखे हैं, और इन्होंने डर के मारे कुछ भी नहीं बोला है, और ये जब नहीं बोला तो इनके हाथ काटे हैं, हाथ काटने के बाद इसका गला भी यहाँ से भी काटा है, इसकी छोटी बहन, इसकी बड़ी बहन को और मासी को भी काटा है हाथ यहाँ पे, और इस बच्ची ने मार डालने की कोशिश, मार डालने की, और हाँ हमने चाकू भी देखा, हमने बाहर चाकू भी देखा, चाकू चाकू का कलर जो उसकी जो हैंडल थी ब्राउन कलर की थी, हमने चाकू भी देखा, वो पुलिस को भी दिया हमने, अभी शार्प नाइफ थी, और उसके बाद इस बच्ची ने हिम्मत जटा के वो बाहर निकली है और बाहर सड़क पे चिल्लाया है मुझे बचाओ, हमें कत्ल करने के लिए अंदर चोर आए, हाँ इतना सुना और फिर सारी भीड़ जमा हो गई, नहीं और हम जब भीड़ बहुत जमा हो गई बंदे को बाहर पकड़ा गया था, उसके बाद फिर हम यहाँ मैं जाना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं कि आप सबसे पहले यहाँ पे पहुंचे तो क्या मेरी पहले जी मेरी शॉप ये बाहर मेरी शॉप है ना बाहर मेरे सामने, जैसे ही ये जी मेरी छोटी बहन है जैसे ही बाहर निकली तो इसे वो चिल्लाया बचाओ, तो मैंने सिर्फ खून देखे इसके हाथ में, मैं जल्दी से अंदर से बाहर से होके आया गेट से अंदर होके, तो मैंने पहले यहाँ देखा यहाँ पे, लेकिन वो बंदा यहाँ से भाग गया ठीक है, आप उसको भागते हुए देख रहे थे जी, वो दोनों बंदे थे यहाँ से भागे, ये पहले ये दीवार लांग दी और उसके बाद वो तो आगे जाके बंदों ने कुछ सुना है तो उन्होंने आगे उनको जगह पकड़ा तो उनको एक को पकड़ के दूसरा भाग गया, दूसरा पकड़ा ठीक है, दूसरा भाग गया जो एक है उसको आइडेंटिफाई कर लिया गया कि वो कौन, तो उसको आपने पुलिस के हवाले जी उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया है। वो भी सर हमने ये जान बताया कि हमला हुआ, इनकी कंडीशन क्या है, आप देखिए कंडीशन, आप देख रहे हैं, आप खुद देखिए कंडीशन क्या है, इनके घर पे इससे पहले भी चोरी, हाथ भी कटे हुए हैं, इनका छीन कटा हुआ है, दोनों हाथ कटे हुए पूरे बांधे हुए रोप से, और ये दूसरी बार आए, ये तीसरा अटेम्प्ट है, ये तीसरा अटेम्प्ट है, और ऑलरेडी दो हो चुके हैं, का मानना है कि वो ड्रगिस्ट है क्योंकि उनकी जो हालत उनकी है वो, देखिए ऐसा नहीं कह सकते, एक्सक्यूज होगा उनको बचाने के लिए, लेकिन वो बचाने के काबिल नहीं है, क्योंकि अगर हम कहेंगे वो ड्रग एडिक्ट है तो फिर क्या उनको छोड़ेंगे, बिल्कुल ड्रग एडिक्ट के लिए बहुत से कड़ी सजा है एनडीपीएस एक्ट के तहत, तो उसको बंद रखे ना फिर, अगर पता है कि ये ड्रग एडिक्ट है पुलिस उनको पकड़ती क्यों नहीं है, पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती है, आपने देखा होगा परसों भी जो एसिड अटैक हुआ था, बताया जा रहा है कि वो लोग भी ड्रग एडिक्ट है, क्यों पुलिस क्यों छोड़ रही है, कि ये खाली चोरी का मामला नहीं है बल्कि इनको मार डालने की भी कोशिश, बिल्कुल चाकू इसलिए, देखिए अगर मैं डंडे से मारूंगा किसी को तो पता है कि वो बच जाएगा, लेकिन चाकू इसलिए क्योंकि मुझे पता है अगर मैं चाकू से मारूंगा और वो मर जाएगा,
इंटेंशन सबसे बड़ी चीज है, इंटेंशन टू किल, ये किल करने के लिए आए हैं। नाज़िम जैसा कि आप यहाँ पे इन हालात को देख रहे हैं, इन लोगों से हमारी बात हुई और इनका कहना है कि ये आज इस लोकेशन पे तीसरा अटेम्प्ट है और तीसरी बार आज इन्होंने इस जगह पे जो है चोरी करने की कोशिश की है और यहाँ पे जो रहने वाली जो ख्वातीन हैं उन पे हमला किया गया है चाकू से और निशाना जो है इनके जिस्म पे अभी देखे जा रहे हैं। और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं इस बहन को अपना भाई थामे हुए है क्योंकि कहा जा रहा है कि इस लड़की की जो हालत है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इनके गले पे भी चाकू से वार किया गया है और इनके हाथ में भी चाकू से वार किया गया है। इसके भाई का मानना है कि ये तीसरी बार आज ये इस लोकेशन पे हमला हुआ है और हालांकि जब वो चोरी की जो वारदात यहाँ पे करने आए थे तो उसमें जब यहाँ के लोगों ने शोर मचाया है तो उसमें से एक जो है चोर उसको पुलिस ने अभी हिरासत में लिया है, लेकिन अभी एक जो है वो अभी फरार है और पुलिस अभी उस की तलाश जो है अभी बरकरार इस वक्त कर रही है। तो हालांकि उन चोरों के पास जो चीज़ें बरामद हुई हैं वो भी पुलिस की तहवील में दे दी गई हैं अभी। और इन लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक चोरी का मामला नहीं है बल्कि इनको कत्ल करने की कोशिश की गई है। हालांकि ये कमसिन बच्ची जो है इनके हाथ पे जो है चाकू के निशानात और इनके गले पे जो है चाकू के निशानात अभी देखे जा रहे हैं। और जैसा कि आप सुन रहे हैं कि इनका मानना है कि ये आज तीसरी बार आज इन्होंने ये हमला करने की कोशिश की थी और हालांकि आज वो यहाँ पे चोरी करने में जो है इनके हवाले से कामयाब नहीं हुए क्योंकि इन्होंने जब चिल्लाया तो बाहर जो लोग हैं वो यहाँ पे आ गए और जिसकी वजह से इस फैमिली के जो लोग हैं उनकी जान बच गई। और जैसा अभी आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी इस बच्ची की जो हालत है काफ़ी नाजुक है, खौफ में है ये देखी जा रही है और इसका भाई जो है इसको अभी थामे हुए है और इसके गले पे और इसके हाथों पे भी चाकू के जो है नुकसान के जो निशानात है वो अभी बज़ाहिर देखे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं चैनल 1 में हूँ, मीर मुर्ग श्रीनगर से।